हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुनीलई खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। घर के काम वगैरह हो गए हैं, लाइक क्लीनिंग वगैरह हो गई है, जो डेली का रूटीन है वो हो गया है। और जैसे कि कल मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे, तो यहाँ पर फोल्ड बनाने के लिए सारे कपड़े रखे हैं, वो नहीं हुए हैं। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, सुबह से मुझे मेरी लाइबा, मेरी बेटी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, इसलिए ना ही खाना बना है और अभी कुछ भी काम नहीं हुआ, तो वो परेशान कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो इसी को रेडी वेडी कर देते हैं, क्योंकि इसी को रेडी कर देते हैं क्योंकि इसमें भी टाइम जाता है एक डेढ़ घंटा। तो फिर मैंने उसको रेडी कर दिया है, नहलाया उसको और आराम से उसको मालिश वालिश की, नहलाया, और अब वो फीड लेके सो गई। और हम भी सो गाइज, हम चलते हैं उसके पास, हम आपको उसको दिखाते हैं। तो लाइबा भी सो गई है और कुछ भी काम नहीं करने दे रही है। आप लोग ये देखो, मुझे मैंने सोचा थोड़ी सी तुरई की और थोड़ी सी भिंडी की सब्जी हम बना लेते हैं, तो बस वही है, तुरई काट के रख ली है, यहाँ भिंडी काट रही थी मैं, लेकिन बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सारे काम छोड़े, मैंने सोचा कि इसको पहले करते हैं, इससे फ्री हो जाते हैं, काम बाद में करते हैं। और जो सारी ग्रॉसरी थी वो भी हमें अभी अरेंज करनी है, तो वो रखी है, उसको भी हम अरेंज करते हैं। तो सो गाइस, चलिए करते हैं थोड़ी देर बाद आपसे बातें, चाहते हैं और काम भी करते जाते हैं साथ ही।
लार्वा खेल रही हैं भाई, और मैंने ना सारे कपड़े फोल्ड कर लिए हैं। और चलो अब इन सारे कपड़ों का अरेंज करते हैं, और इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंने लार्वा के लिए क्या शॉपिंग किया है। लार्वा के 5th मंथ बर्थडे के लिए मैंने क्या लिया है जब मैं मार्केट गई थी तब।
तो चलिए, तो इसके बाद ये मैं सारा ऑर्गेनाइज कर लूँ, सारी जगह पर इसको रख दूँ, देन उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँ। लाइबा के लिए ली हैं दो ड्रेसेस, तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ मैं कौन से दिन कौन सी ड्रेस बनाऊँ। और एक ड्रेस है ग्रे एंड पीच कलर की, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है ये, देखो कितनी प्यारी लग रही है। मैं इसके बॉक्सेस फेंक दूंगी इसलिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला इसको। और सेकंड ड्रेस जो है इसमें हॉट पैंट और टॉप, ये पिंक कलर का हॉट पैंट और ये अकेली। तो मैंने दो ड्रेसेस लिए, मैं दोनों ही अलग अलग शॉप से लिए, तो मुझे कभी एक मैंने इसके लिए डेली के लिए भी कुछ कपड़े लिए थे, तो जो इसके डेली वाले कपड़े थे वो इसको मतलब ऐसे थे कि बिल्कुल अभी जो मैं कपड़े पहना रही हूँ उसी के बराबर के थे। तो मैंने सोचा एक साइज़ इसका बड़ा लेते क्योंकि बहुत सारे अभी के कपड़े हो गए, तो वो सेम साइज़ में थे, तो वो मैं मम्मी के घर पर ही रखाई थी, तो अब जब भी जाऊँगी मैं चेंज करके आऊँगी तो फिर वो मैं दिखाऊँगी। मैंने वो भी दो लिए, तो मैंने चार कपड़े लिए थे उसका ट्रेनिंग करने के लिए। तो एक मैंने ये लिया है मेरे लिए, तो देखते हैं दोनों ही में मतलब ऐसे कलर्स हैं कि चले जाएंगे। बहुत सिंपल सोबर सा मैंने एक ये लिया है डिजिटल प्रिंट का कुर्ता और ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, तो मैंने ये अभी तक वेयर करके भी नहीं देखा है कि मेरे ऊपर ये कैसा लगेगा। अगर ठीक लगेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको भी एक्सचेंज करूँगी। कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है गर्मी के अकॉर्डिंग, तो लाइबा के साथ तो मेरी मैचिंग हो जाएगी चाहे मैं ये पहनूं, क्योंकि इसमें भी पिंक। क्या बोलते हैं कि तुमने अपने लिए भी शॉपिंग कर ली और अपनी बेटी के लिए भी शॉपिंग करी, और मेरा क्या, मैंने कहा मैंने इससे पहले वाले मंथ में मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया था, उनके लिए डेनिम की शर्ट ऑर्डर की थी और मैंने तो अभी नॉर्मली ऐसे लिया, मैंने कुछ ये सोच के नहीं लिया कि बर्थडे के लिए ही पहनना है, वो तो बस ऐसे ही मैंने ले लिया। मुझे कुर्ती लेनी थी गर्मी के लिए, जाते आते रहते हम लोग घूमते रहते हैं तो कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने सोचा एक सूट लेते हैं, मुझे दो तीन बहुत अच्छे लग रहे थे लेकिन मैंने सोचा कि अरे रहने दो, एक लेते हैं। लाइबा के लिए मैंने ज़्यादा ले लिए और मैंने अपने लिए एक लिया और मैंने पहन के देखा, बहुत अच्छी फिटिंग भी आ रही थी, बस थोड़ा सा ऑल्टर करना है इसको तो अच्छा लगेगा बिल्कुल। और इसका जो ये है ना ऑर्गेन्जा दुपट्टा, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक में है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अकड़ रहा हो, बट ये थोड़ा सा छोटा दुपट्टा मुझे लग रहा है ये, लेकिन ठीक है चलता है, ज़्यादा बड़े दुपट्टे क्या है। जो टाइम हो रहा है रात के बज रहे हैं 9, तो मैं हस्बैंड के साथ जा रही हूँ बाहर कुछ खाने पीने के लिए। कैसा है तो लाइबा को तो रेडी किया तो वो सो ही गई है, और उसका टाइम तो नहीं था सोने का, लेकिन बहुत मतलब दोपहर से जब से सोई थी उसके बाद से अभी सोई है, तो बहुत खेली 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 उसके बाद अभी हाल जस्ट सो गई। और मैंने ये सूट ग्रीन कलर का वेयर कर लिया है। हम लोग यहाँ पे एक मनाली रूफटॉप कैफ़े है वहाँ पर आए हैं, बस बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग को पार्किंग नहीं मिल रही थी, जैसे तैसे करके लगा दी हस्बैंड ने पार्किंग, कर दिए है कार, अब हम लोग जा रहे हैं, इसलिए चिड़छिड़ करते हैं कहीं पर पार्किंग ना मिले तो।
बाय बाय मनाली कैफे। सो गाइज, अभी जो टाइम हो रहा है रात के बज गए हैं 11 और हम लोग गए थे कैफ़े में। आज बस हम लोग ने पिज़्ज़ा ही खाया वहाँ पर, और यहाँ का जो भी खाना था मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एवरेज लगा। सो व्यू वाइज मैं देखूँ वीडियोस बनाने के लिए, फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, सो फोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए तो ठीक है, बट अदरवाइज़ मैं तो सेकंड टाइम खाने के मामले में मुझे ज़्यादा कुछ पिज़्ज़ा भी मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया, तो ये मनाली कैफ़े मेरे लिए तो अब सेकंड टाइम बिग नो है। ठीक ठाक है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा खाना, मतलब आपको जैसे पता है कि मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा फूडी हैं, हम लोग खाना बहुत अच्छा लगता है, और इतनी जगह से खाना खाते हैं तो ज़्यादा मज़ा नहीं आया है यहाँ का पिज़्ज़ा खाने में। इससे अच्छा पिज़्ज़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो रोड साइड पर वैन है ना, वैन का पिज़्ज़ा रहता है, और यहाँ पर बैठ के व्यू बहुत अच्छा था, रूफ टॉप भी बहुत अच्छा था, और डेकोर वगैरह, एम्बियंस वगैरह सब कुछ अच्छा था, बट खाने की बात करूँ तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आया। बस ठीक है, आप लोग भी कभी जाओ तो ट्राई करना, फिर देखना शायद आपको अच्छा लगे। तो चलो भाई अब घर जा रहे हैं, मैं हस्बैंड से बोल रही हूँ मुझे आइसक्रीम खिला दूँ, तो ये बोल रहे हैं नहीं घर पे आ जाइए, इन्हें तो बस मुझे घर पे ही रखना अच्छा लगता है ज़्यादातर। और आज मैंने बहुत सारी रील्स शूट की है और वीडियोस बना ली हैं, और देखेंगे उसे एडिट करेंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे। और मेरी लाइबा जो बैंड लगा कर आई थी, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मेरा इतना फेवरेट बैंड था वो लाइबा को, मैं उस बहुत सारे कपड़ों से मैचिंग होती थी उसकी, बट पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गया, किसी भी वीडियो में वो बैंड में नहीं है, और मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, पता नहीं कहाँ मेरे हाथ से गिर गया वो, और मैंने बहुत ढूंढा भी लेकिन मुझे मिला ही नहीं। चल रहे क्या? सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं घर, और आज का ब्लॉग यही था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लाइबा, बाय 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 बाय।